गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस समय अपने मायके में हूँ, जो कि भिलवाई आजमगढ़ में है, और मेरी भाभी यहाँ पे पर डे कुछ ना कुछ बना रही हैं। सो आज मैं किचन में ले चलती हूँ भाभी के। आपको बहुत ही अच्छा उन्होंने कटलेट बनाया है और मैंने कभी अभी तक ट्राई नहीं किया है। सो मैंने इसकी वीडियो बना ली, मैंने सोचा कि ये हमारे भी काम आएगी फ्यूचर में चल के, मैं भी चल के बनाऊँगी। तो ले चलते हैं आप सभी को किचन में। आप बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा बना हुआ है, हमें तो बहुत ही टेस्टी लगा है। तो गाइज, हमारी कटलेट के लिए लिया गया है सबसे पहले ब्रेड, बड़ा वाला थोड़ा सा जो आता है ब्रेड पकौड़ा साइज़ का, और उसके बाद हम लोगों ने आलू बॉईल करके पहले से ही छील के रख लिया था, उसको इस तरीके से फोड़ लेंगे। और एक पैन में हमने डाला है मस्टर्ड ऑयल, और अब इसमें डालेंगे पंचफोड़न। पंचफोड़न में धनिया, जीरा, सौंफ, मंगरेल और यही सब पांच तरह की चीज़ें होती हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और हमारे यहाँ तड़के में ज़रूर डाला जाता है। अभी उसमें डाल दिया गया है मिर्ची काट के 5-6, और अब उसी में डाल देंगे आलू, और आलू को इस तरीके से भून लेंगे हम फोड़ते हुए, जैसा हम मैश करते हैं। और अभी इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, गरम मसाले डाल दिए हैं, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम, मिक्स कर लेंगे और एकदम भूनेंगे अच्छा सा, जब तक कि महक ना आने लगे। और देन हमने ब्रेड लिया है, ब्रेड का साइड वाला जो ब्लैक टाइप का किनारा होता है, चारों तरफ का इस तरीके से कट कर देंगे, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं कट कर रही हैं। और कट करके हम सारा एक साथ कट करके आप देख रहे हैं हम लोगों ने रख लिया है। देन अब बारी आती है बनाने की। तो जो हमने बैटर बनाया था आलू का भून के, उसको आप देख रहे हैं इस शेप में हम पिंडिया बोलते हैं हमारे यहाँ, वैसा बना लेंगे। थोड़ा कम कम छोटे छोटे आकार का बनाएंगे तो ये हमारा कटलेट बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा। और इस तरीके से अब हम एक कटोरे में लेंगे पानी, और पानी में ब्रेड को डाल के तुरंत निकाल लेंगे, और दोनों हाथ की सहायता से बहुत ही सॉफ्ट हाथों से उसका पानी निचोड़ देंगे। पानी निचोड़ के देन हमने जो आलू का बनाया हुआ था पिंडिया, उसको बीच में रख के इस तरह से उसको ब्रेड से कवर कर देंगे पूरी तरह, और थोड़ा सा हल्के हल्के हाथ से उसको दबा के और चारों तरफ से बंद कर देंगे। इस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं जैसा कि भाभी कर रही हैं। देन हमारा आप देख रहे हैं सारा कटलेट बन के रेडी हो गया है। और अब हम चलते हैं फिर से इसको डीप फ्राई करेंगे, फ्राई करने की तरफ। और एक हमने ली है कढ़ाई, उसमें डाला है रिफाइंड, और जैसे ही वो हो जाएगा थोड़ा सा तेल, तो उसमें हम सारा कटलेट अपना डाल देंगे जितना भी आएगा, इस तरह से डाल के, और फिर डार्क ब्राउन होने तक भूनेंगे। जब थोड़ा सा पक जाए तभी इसको उलटना पलटना है, वरना ये टूटने की डर रहती है। सबसे ज़्यादा इसमें यही ख्याल रखने वाली बातें होती हैं कि आप डालते ही तुरंत उसको ना चलाएं, नहीं तो ये फट जाते हैं और पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है और हमारा कटलेट भी। तो जब थोड़ा सा पक जाए, ये रेडिश दिखने लगे, देन आपको इसको पलटना है, और बहुत ही हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से पलटना है ताकि ये टूटने फूटने ना पाए। और इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कटलेट बन के तैयार हो गया है हमारा, एकदम डीप फ्राई किया है, बिल्कुल ब्राउन कलर आ गया है, एकदम अच्छा अच्छा सा कलर आ रहा है। आप देख रहे हैं, देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा कितने लोगों के बहुत ही अच्छा बना हुआ था कटलेट, और इस तरह से ये रेडी हो चुका है। आप इस आकार में, इस कलर में निकालेंगे इसको, बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरा और यमी बन के रेडी हुआ है। और अभी ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो भी थाली लगती है वो भगवान जी की थाली लगती है, तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल की थाली लगाएंगे और भगवान जी का भोग लग जाएगा, देन हम सारे जो है आपस में खाएंगे इसको, सर्व होगी फिर सभी के लिए। और ये देख रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी की थाली तैयार है और उनके पास आ चुकी है, ये दोनों लोग खा लेंगे, फिर हम लोगों की बारी आएगी। और इनको बड़े ही प्यार से भाभी मेरी भोग लगा रही हैं, आप देख रहे हैं। अक्षुतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जाने
केवलभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं। आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं, आप सबरी के जैसे खिलाते नहीं। और ये हमारे भगवान जी खा चुके हैं, अब बारी आती है हम लोगों की। सो भगवान का भोग जो है उसको मैं देख रही हूँ टेस्ट करके, और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये मेरे भाई साहब हैं, ये खा रहे हैं, जिनको वीडियो बनाने से सख्त नफरत है, बट मेरे कहने से बना ले रहे हैं। ओके गाइज, बाय बाय।